दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव बहाली को लेकर बृहस्पतिवार को छात्रों ने कुलपति कार्यालय के समक्ष बैठक कर धरना प्रदर्शन किया और छात्र संघ चुनाव कराने की मांग की। वहीं छात्र नेताओं का कहना है कि कई बार हम लोग गोरखपुर विश्वविद्यालय में चुनाव कराने की मांग को लेकर कुलपति महोदय से मिल चुके हैं, उसी को लेकर आज हम लोगों ने एडी बिल्डिंग पर तालाबंदी की और छात्र संघ चुनाव की मांग की। इस दौरान मौके पर पहुंचे प्रॉक्टर ने आश्वासन दिया कि कल मैं आप लोगों की जो मांग है छात्र संघ चुनाव की बहाली को लेकर कुलपति महोदय के सामने रखूंगा। वहीं कई छात्र नेताओं का कहना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन कह रहा है कि चुनाव कोड के आदेश पर ही होगा, अभी उस पर स्टे चल रहा है। छात्र नेताओं ने कहा कि अगर स्टे है तो हमें स्टे की कॉपी सौंपा जाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए छात्र नेता गौरव वर्मा ने कहा कि क्या क्या मकसद है आपका, करो सवाल उनसे जो राष्ट्रीय ध्वज के नाम पे क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं दिया आपका सर मुजावर मियां और मजा लूटे गाजी। गौरव वर्मा गोरखपुर विद्यालय छात्र हैं। हम लोग कल भी जैसे आए थे, आप लोगों के न्यूज़ के माध्यम से बता दें आप लोग भी कल आए थे, कल हम लोग कुलपति साहब से मिलने आए थे छात्र संघ चुनाव की बहाली को मांग लेकर। कुलपति साहब जिसलिए टाल रहे हैं कि स्टे लिया गया है हाईकोर्ट में, स्टे हाईकोर्ट से स्टे है। हम लोग अभी बैठे हुए हैं और ये अनवरत जारी रहेगा जब तक हमें स्टे की कॉपी नहीं मिल जाती। हम लोग कोई आरक्षता नहीं कर रहे हैं, यहाँ शांति से बैठे हैं। हमें प्रशासन साहब का डर दिखाया जा रहा है, हम लोग चुपचाप यहाँ बैठे हुए हैं। जब तक हमें कॉपी नहीं मिल जाती हम लोग जाएंगे नहीं। चौकी चार